साध्यतावच्छेदकी तदस्य प्रसिद्धि इति वाच्यम् हरितावच्छेद प्रमेय जी पदितरी अपसिद्ध है तो तभी तेरे उपयान आलोचना तो मिलेगा जी हो जाएगी हम तो उपयान नहीं तो उपयान प्रश्न इसलिए हमको क्या करना है इतर सब भिन्न ऐसा नहीं करना है तो पारिभाषिक अर्थ करना है तो दो प्रकार का अर्थ को बताने तद विषयत्वा व्यापक विषयता कस्य विवक्षणा तद विषयत्वा व्यापक विषयता को ऐसा जो धर्म हो कि वो साधिता वचन की तरह शब्द करे हो तो साधिता वचन की तरह मतलब साधिता वचन से भिन्न ऐसा अर्थ नहीं करना है अभी तो साधिता वचन के विषयत्वा व्यापक विषयता जो विवक्ष धर्म वो साधिता वचन से इतर धर्म हो पारिभाषिक अर्थ ठीक तो इसे बन्यवान धमात की के बोलते प्रमेय से धन्यवाद ऐसे साधिता
तो लक्षण बनेगा अवच्छिन्न है तो अब या
व्यक्ति जब नहीं होगी तो उसके बारे में करने के लिए जवान मुझसे अधिक दौर से किया गया है हेतु प्रतियोगितावच्छेदकतायाः हमने आवाज लिया है।
विद्या मानसिक निष्ठा युद्ध विद्या उच्चरता प्रतियोगिता वचनता मानसिक तुम्हें भी हम उसमें रख रहे हैं पर्याप्त संबंध से पर्याप्त संबंध से रखने का लाभ हुआ प्रतियोगिता वचनता पर्याप्त संबंध से मानसिक बंधित दोनों में है केवल बंधित्व में नहीं है इसे जो शुद्ध बंधित्व है साधिता वचनक वो प्रतियोगिता वचनता का पर्याप्त अधिकरण नहीं है वा हेतु समानादिगणाभाव प्रतियोगिता वचनकतायाः पर्याप्त अधिकरण विन्नत्वं साध्यता वचनकस्य वाच्यमिति कश्चित्तम् ऐसा किसी ने कहा इस प्रकार समाधान दिया लेकिन ग्रंथकार के अभिमत नहीं समाधान क्यों तन्ना प्रत्येकम् उभयत्र पर्याप्ति संबंधेन सतः अवच्छेदकत्वस्य उभयत्र पर्याप्ति संबंधेन सत्ता योगा प्रत्येकम् उभयत्र पर्याप्ति संबंधेन सतः अवच्छेदकत्वस्य उभयत्र पर्याप्ति संबंधेन सत्ता योगा प्रत्येकम उभयत्र एक एक करके दोनों में ना रहने वाली आवश्यकता है आप क्या कहते हो कि प्रतियोगिता आवश्यकता पर्याय संबंध से बंधित्व में नहीं और मानस में भी नहीं प्रत्येक में नहीं है अब कहेंगे दोनों में है तो मानस पर दोनों में है ये बात तो संगत नहीं है वस्तु जो आवश्यकता बंधित्व में भी नहीं है तो मानस में भी नहीं है दोनों में रहे ये बात तो संगत नहीं होती विशिष्य लक्ष्यं निर्दिशति तद्रूप विशिष्टस्य इत्यादिना कर सकते हैं अलग अलग कर सकते हैं
प्रपत्य तो रूप से वो मेरे से बंदी का सामान अधिक रहेगा नहीं बंदी का सामान अधिक तो मैं रहेगा मन में लो ऐसा तुमको प्रपत्य तो रूप में आ गई तुमने बंदी का सामान अधिक रहने तो वो भी लक्ष्य कोटि में आ जाएगा प्रपत्य का वो चीज़ ना घूमने जो बंदी का सामान अधिक रहने वो भी लक्ष्य कोटि में आ जाएगा लेकिन उसमें लक्ष्य बढ़ाने जाएंगे द्रव्य चुना दूर के दोनों के देने का अर्थ क्या हुआ हमारा स्थल हम बना लेंगे पर्वता बुद्धिमान प्रत्यार प्रयोग करेगा घुमात के जगह हमें कैसा बचा प्रयोग तो द्रव्य चुना हम किसको हेतु बना रहे हैं बना रहे हैं तो द्रव्य चुना बना रहे हैं लेकिन जब हम द्रव्य चुना दोनों के हेतु बनाएंगे तो हम सदैव तो होगा कि ऐसे देते होगा पर्वत होने हम द्रव्य कहेंगे पर द्रव्य के अंदर घुमा रहा है किंतु सदैव तो नहीं होगा तो लक्ष्य कोटि में जा रहा है लक्ष्य कोटि में जा रहा है जितने द्रव्य रूप में घूमते बंदी का जो सामान आगे करने बंदी की जो व्याप्ति है ये तो हमारा लक्ष्य है तो लक्ष्य से द्रव्य का घूमने बंदी का जो सामान आगे करने बंदी की जो व्याप्ति वो लक्ष्य कोटि में आ गया और उसमें लखन ले जाने जाएंगे लखन जाएगा द्रव्य का बंदी का मिलता है तो बंदी का वचन लगे शायद हो जाएगा व्याप्ति हो जाएगी निर्धारण जो बंदी का इसकी व्याप्ति उधर भी कर दो Gracias.
तेन व्याप्तिपदेनापि तादृशसामानानि निगरण्य उक्त्या न पौनरुक्त्यम् क्या बात कह रहे हैं कि ये न केनाय सामान अधिकरण भी सब जोड़ा है दीर्घ का जी और यावत निर्मित व्याप्ति लक्ष्यांश का ये न केनाय सामान अधिकरण में कहा है और लक्ष्यांश में क्या कहा यावत निर्मित व्याप्ति सामान अधिकरण में लक्षण है जी पत्र विशेष से पत्र में आवचन यावत निर्मित व्याप्ति लक्ष्यांश में यावत सदा का उन्होंने किया है और लक्षणांश में ये न केनाय सामान अधिकरण कहा है अगर ये दोनों का मिलाकर एक ही प्रयोजन है धूमबंदी का जो सामान अधिकरण जा रहा है तो समझ आएगा कि जो व्याप्ति है वो भी केवल विशिष्ट धूम है मानसिक धूम में ही बंदी का बंदी की व्याप्ति की बात हो रही है उसका लक्षण घटाया जा रहा है जैसा भ्रम न हो इसलिए कहा कि किंच धूम में रहने वाला जो बंदी का सामान अधिकरण है वो यावत निर्मित व्याप्ति बंदी का वचन बंदी सामान्य निर्मित धूमत का वचन धूम सामान्य निर्मित व्याप्ति जो लक्ष्य है जो व्याप्ति है किंच धूम में बंदी का जो सामान अधिकरण है वही लक्ष्य नहीं है धूम सामान्य में बंदी सामान्य का जो जो व्याप्ति है उसका लक्षण हम ले जा रहे हैं यदि भी लक्षण समय यानी कि नैविक समय सामान्य निखिलवर्ण्यादिव्याप्तित्वमिति व्याप्तेः सामान्यरूपतालाभाय यावदिति पूर्वतर केन केनापि सः